नमस्कार दोस्तों, बाइट विद कौर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बना रहे हैं पहाड़ी स्टाइल में खीरे का रायता। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त टेम्पटिंग लग रहा है ये। और दोस्तों बनाना तो इसको बहुत ही झट से 5 मिनट में रायता बन जाता है। और इसमें वेरिएशन एक जो क्या है आप, मैंने इसके अंदर बूंदी ऐड की है और ये बनते हैं दोस्तों मस्टर्ड सीड्स के साथ। खीरा और मस्टर्ड सीड का इसके अंदर जो है कॉम्बिनेशन होता है पहाड़ी स्टाइल में। कुछ लोग मस्टर्ड सीड्स की जगह राई भी यूज़ करते हैं। आपको पता होगा मस्टर्ड जो काले रंग की होती है और जो वो राई होती है वो ब्राउन कलर की होती है। आपके ऊपर है, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो हूँ मस्टर्ड सीड्स इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों मस्टर्ड सीड्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसका जो रहता है आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर फाइबर होने की वजह से पेट में जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो जो है हमारी सॉल्व हो जाती है। जिन लोगों को हड्डियों में दर्द रहता है उनको ये रायता ज़रूर खाना चाहिए, बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी हड्डियों के लिए, आपके नेल्स के लिए, बालों के लिए, दांतों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जिन लोगों को चेहरे पे एक्ने की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को भी ये रायता ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि एक्ने जो होता है वो इन्फ्लेमेशन, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाती है, उसकी वजह से होती है। तो ये जो मस्टर्ड सीड्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर दोस्तों विटामिन ए, के, सी तीनों एक साथ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एजिंग जो है वो कम हो जाती है, डिले हो जाती है। तो आप प्लीज़ इस रायते को ज़रूर बना के खाइए। ये पहाड़ी रायता है लेकिन हम लोगों को, हम इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, सारी ज़िंदगी भी अगर हम कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे तब भी यहाँ की डिशेस ख़त्म नहीं होंगी। आप ज़रूर दूसरी स्टेट्स की जो हैं वो चीज़ें बना के खाइए। कुछ वेरिएशंस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे की है। चलिए डिले ना करते हुए फटाफट बनाते हैं खीरे का रायता। यहाँ पे दोस्तों मैंने देसी खीरा लिया, इसको टिप से मैं फटाफट काट लेती हूँ, रगड़ लेती हूँ ताकि जो इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। पहाड़ों में तो दोस्तों जो काफ़ी खीरा काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने कोशिश की है मैं देसी खीरा लूँ। अब फटाफट से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको छिलके के समेत ही हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। आपके ऊपर है पतली साइड से कद्दूकस करें या मोटी साइड से कद्दूकस करें, जैसे भी आपको पसंद हो। इसका हम पानी निचोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम दही में जो है काफ़ी थिक ले रही हूँ, पानी आपको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पानी के समेत ही आप जो है खीरे को निचोड़िएगा मत। ये कर लिया दोस्तों मैंने खीरा कद्दूकस। अब वेरिएशन के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच बूंदी, जिसको मैं पानी के अंदर भिगो रही हूँ जब तक हम लोग बनाते हैं। 5 मिनट के लिए इसको भिगो देते हैं। ये रहा दोस्तों मेरे पास 2 छोटी चम्मच मस्टर्ड, इसको हम तुरंत फटाफट पीस लेते हैं। आप राई भी ले सकते हैं। अब दोस्तों ये रहा मेरे पास पाउडर, और ये मेरे पास जो है दोस्तों 200 ग्राम जो है दही है। और यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अब फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने डाला इसके अंदर खीरा, दही हमारा काफ़ी थिक है इसलिए मैंने इसमें खीरे में से पानी नहीं निकाला है, और बूंदी को भी मैं बहुत अच्छे से नहीं निचोड़ रही हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं डाल रही हूँ 1 छोटी हरी मिर्च कटी हुई, आप बढ़ा भी सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दोस्तों अब मैं डाल रही हूँ फटाफट बूंदी। यहाँ पे दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, आप कटा हुआ प्याज भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने बूंदी सारी मिक्स कर दी। अब मैं दोस्तों इसके अंदर डालूंगी सिर्फ काला नमक। मैं इसके अंदर ना कोई जीरा पाउडर, ना हींग, ना कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, ना काली मिर्च, कुछ भी नहीं। दोस्तों ओरिजिनल फॉर्म में जितना हम खाएँ चीज़ों को उतना ही हमारे लिए अच्छा है। आप कुछ भी और मसाला डालेंगे तो मस्टर्ड सीड्स का ये जो पाउडर है इसका स्वाद एक तरीके से जो है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये पहाड़ी रायते का हम उतना लुत्फ़ नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 200 जो है वो 2 छोटी चम्मच जो है मिक्स कर दिया। अब इसको लगातार मिक्स करेंगे। अब दोस्तों बींग अ पंजाबी जो है मैंने इसके अंदर अपनी वेरिएशन डालने के लिए इसके अंदर बूंदी ऐड कर दी। आप चाहें तो इसके अंदर प्याज ऐड कर दीजिए, हरा धनिया ऐड कर दीजिए, लेकिन दोस्तों मैं तो इसको बिल्कुल एज अ सिंपल खाऊँगी एकदम बढ़िया तरीके से। ये बन करके हमारा तैयार है। मैं काली मिर्च भी डाल रही, बस थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए ऊपर से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। तो दोस्तों ये हमारा रायता बन करके तैयार है। प्लीज़ डू ट्राई इट, बरसात का मौसम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।